आईफोन SE 2023, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन से आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी प्रीवियस मॉडल से। आईफोन 15 के लॉन्च होने से पहले हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। तो अगर आप एक प्लान करें बजट कैटेगरी आईफोन स्मार्टफोन लेने का ब्रांड न्यू कंडीशन में, तो ये वीडियो आपकी काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक शेयर को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले अगर बात करें तो मेजर इंप्रूवमेंट्स हमें क्या देखने को मिलेगी इस बार आईफोन SE 2023 में। बेसिकली डिस्प्ले वाइज अगर हम देखें तो बहुत ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइन में भी हमें बहुत ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। डिजाइन इसका बिल्कुल सेम आपको आईफोन XR जैसा देखने को मिलेगा, जिसमें हमें काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बट OLED पैनल की डेफिनेटली यहां पर कंफर्म नहीं है कि हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं, बट डिस्प्ले साइज आपको इतना देखने को मिल जाएगा। XR जैसा डिजाइन देखने को मिलेगा, नॉच पैनल देखने को मिलेगा। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ग्लास पैनल देखने को मिलेगा और सिंगल कैमरा के साथ हमें यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन आपको बजट कैटेगरी का देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी प्रीवियस मॉडल से, क्योंकि प्रीवियस मॉडल का डिजाइन बिल्कुल प्रीवियस मॉडल जैसा ही देखने को मिलता था। वही सेम डिजाइन आपको आईफोन SE 2 और वही सेम डिजाइन आपको SE 3 का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें SE 4 की, जो कि आपको 2023 में देखने को मिलेगा, डिजाइन बिल्कुल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अभी बात करें चिपसेट वाइज, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली A15 या फिर A16 चिपसेट देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कौन सी देखने को मिल जाएगी, बट अगर हम कंपेयर करें तो A15 अगर हम देखने को मिल जाए तो वो भी स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी गेमिंग लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। पर अगर A16 देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि ये चिपसेट आपको आईफोन 14 सीरीज के 14 और 14 प्लस में भी नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस है कि यहाँ पर आपको A16 चिपसेट नहीं देखने को मिल सकती है। पर अगर देखने को मिल जाए तो मोस्ट एक पॉपुलर स्मार्टफोन और मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा ये आईफोन की तरफ से। नेक्स्ट अगर बात करें कैमरा क्वालिटी वाइज, तो कैमरा क्वालिटी वाइज आपको डेफिनेटली 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें कैमरा फीचर्स की, तो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। प्रीवियस मॉडल में भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिलते थे, जहाँ पर आपको आईफोन 13 में जो स्टाइल्स है वो आपको सेम देखने को मिलते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें आईफोन 14 में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है। बट अगर हम कंपेयर करें SE 2023 की, तो वहाँ पर आपको सिनेमैटिक मोड का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी वीडियो क्वालिटी वाइज और कैमरा क्वालिटी वाइज। पोर्ट्रेट वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1x में, जिसमें हमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें बैटरी क्वालिटी वाइज, तो वो आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट तो देखने को मिल जाएगी प्रीवियस मॉडल से, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। सो इसकी अब तक के लिए जो भी आईफोन SE 2023 की देखने को मिल जाती है और इसकी और भी नीस निकल कर आ सकती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यदि हमारे आज की वीडियो अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।